जब से कोरोना महामारी ने भारत में कदम रखा है तब से लगातार टीआरपी लिस्ट में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक शोज ने धमाल मचा रखा था। लेकिन साल 2020 के 29वें हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीते हफ्ते दर्शकों ने डेली सोप पर जमकर प्यार बरसाया है, जिस कारण सभी पौराणिक शोज टीआरपी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। आइए आपको उन शोज के नाम बताते हैं जिन्होंने बीते हफ्ते दर्शकों के बीच धमाल मचाया है। पहला स्थान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब टीवी का सुपरहिट धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते हफ्ते दर्शकों को खूब पसंद आया, जिस कारण यह पहले स्थान पर पहुंच गया है। शो की कहानी में कोरोना वायरस के कारण थोड़े बदलाव हुए हैं और कई कलाकार इससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसका शो की रेटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा स्थान, अनुपमा। टीआरपी लिस्ट में स्टार प्लस की सुपरहिट शो अनुपमा ने एंट्री मारकर लोगों को चौंका दिया है। यह शो काफी समय से टीआरपी लिस्ट से बाहर था। तीसरा स्थान, कुंडली भाग्य। टीवी धारावाहिक कुंडली भाग्य हमेशा से दर्शकों को प्रभावित करता आया है और बीते हफ्ते भी इसे जबरदस्त प्यार मिला। यही कारण है कि इसे टीआरपी लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। चौथा स्थान, शक्ति अस्तित्व के एहसास की। कलर्स चैनल का हिट शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की को टीआरपी लिस्ट में चौथा स्थान हासिल मिला है। बीते हफ्ते यह शो भी टॉप 5 से बाहर था। पांचवा स्थान, छोटी सरदारनी। कलर चैनल की जाने माने शो छोटी सरदारनी ने इस बार टीआरपी लिस्ट में पांचवा स्थान हासिल किया है। यह शो बीते दिनों काफी चर्चा में रहा था, जिसका इसे काफी फायदा मिला है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।